कौन है झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कैसा रहा उनका अब तक का पॉलिटिकल करियर और उन्हें क्यों झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। झारखंड की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई थी। हेमंत सोरेन को ईडी समन पर समन भेज रही थी। इन सब के बीच 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद उनकी अरेस्टिंग भी हुई। लेकिन ये सब तो आपको पता चल ही गया होगा। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात रही झारखंड के नए मुख्यमंत्री का ऐलान। जब हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग की बात चल रही थी, तब कई नए नाम मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे थे, लेकिन एंड में सीएम के लिए उन्हें चुना गया, जिसकी प्रिडिक्शन नहीं की जा रही थी, और वो थे चंपई सोरेन। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये हैं कौन और क्यों इन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। 67 वर्षीय चंपई सोरेन झारखंड के जिलिंगगोड़ा गांव के रहने वाले हैं। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन दोनों के ही काफी करीबी माने जाते हैं। चंपई सोरेन ने स्कूली पढ़ाई भले ही 10वीं तक की है, लेकिन राजनीति का ज्ञान उन्हें काफी ज्यादा है। 1991 में उन्होंने सरायकेला सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें हिस्सा लिया था और उस सीट से जीत भी हासिल की थी। उस समय ये सीट बिहार विधानसभा का हिस्सा था। इसके बाद चंपई सोरेन ने 1995 में हुए चुनाव में भी हिस्सा लिया और सीट से जीत हासिल की। हालांकि 2000 में जो चुनाव हुए थे उसमें वो हार गए थे। फिर उसके बाद 2005 में फिर से उन्होंने वापसी की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। झारखंड को अलग राज्य बनाए जाने को लेकर जो आंदोलन हुए थे उसमें भी ये काफी एक्टिव रहे थे, जिसके बाद ही इन्हें झारखंड टाइगर का खिताब मिला था। झारखंड के लोग इन्हें इस नाम से भी बुलाते हैं। चंपई सोरेन का पॉलिटिकल करियर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। उन्होंने बीजेपी के साथ भी काम किया हुआ है। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा की सरकार में चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। फिर इसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जिसके बाद हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाई, जिस सरकार में चंपई सोरेन को फूड एंड सिविल सप्लाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद फिर 2019 में एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और इस बार चंपई सोरेन को ट्रांसपोर्ट शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर मिनिस्टर बनाया गया। और अब 2023 में जब हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना विधायक दल का नेता जो है वो चंपई सोरेन को बनाया है, जिसके बाद से अब वो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। अब झारखंड में इतनी उथल पुथल क्यों मची हुई है, इस पर डिटेल वीडियो जो है वो किया जा चुका है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिलहाल अगर आसान भाषा में समझे तो हुआ यूं कि ईडी ने रांची में 4.55 एकड़ जमीन की इलीगल खरीदारी का खुलासा किया। इस कथित लैंड स्कैम को लेकर ही ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें समन पर समन भेजा जा रहा था। लेकिन अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इसी वजह से झारखंड की राजनीति में इतना बवाल मचा हुआ है। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि क्यों चंपई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।